श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा के कुछ बताए गए कुछ खास उपाय, जो कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि के दिन ही किया जाने वाला यह उपाय है। यह उपाय आप करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिसके पास ना तो अपना घर है, ना अपना मकान है, ना अपना दुकान है, ना तो उसको रोजी रोटी है, परेशानियों में हरदम घिरा हुआ है, कमाई का कोई स्रोत नहीं है। वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। यह उपाय आपको इस महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करके आपको 12 शिवरात्रि तक पूरा करना है। तो इस उपाय का शुरुआत आप इस शिवरात्रि से कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं यह उपाय करने के लिए आपको मात्र 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। 5 बेलपत्र लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाए, शंकर भगवान के मंदिर पे चले जाए। शंकर भगवान के शिवालय के पास में जाकर आप यह बेलपत्र शंकर भगवान के 5 स्थान पर समर्पित करना है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि गुरु जी ने हर एक कथा में आप सबको बता ही रखे हैं कि शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, गणेश भगवान का स्थान कहाँ है, कार्तिकेय बाबा का स्थान कहाँ है और जगत जननी माता का हस्त कमल कौन सा है। तो यह बेलपत्र आपको 5 स्थान पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, जिसका डंठी जलाधारी के तरफ रहेगा। जिधर से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ इसका डंठी रखना है। उसके बाद जब दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करें तो इसको आप माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। जगत जननी माता का जो हस्त कमल है उस पे आपको समर्पित करना है। लेकिन बेलपत्र समर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि बेलपत्र की दोनों पत्ती शिवलिंग के बीचों बीच होना चाहिए। आप शिवलिंग के बीचों बीच में जब माता जगत जननी के हस्त कमल पर बेलपत्र समर्पित करें तो बेलपत्र दोनों साइड में हो और बीच वाली पत्ती बीच पे रहे। फिर उसके बाद आपको तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, जिसकी डंडी आपके विपरीत दिशा में होगी। जैसे आप अगर दक्षिण दिशा में बैठे हैं तो बेलपत्र की डंठी उत्तर दिशा में होगी, यानी कि जलाधारी के तरफ डंठी रहेगी और बड़ी पत्ती आपके तरफ रहेगी। और चौथी बेलपत्र आपको जहां से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग में जिस स्थान पर जल नीचे गिरता है, आपको चौथी बेलपत्र उस जगह पर समर्पित कर देना है। और पांचवी बेलपत्र आप नंदीश्वर महादेव के जो उठा हुआ पांव है उस पांव पर समर्पित करना है। ऐसा अगर आप इस शिवरात्रि से शुरू करके और 12 शिवरात्रि आप पूरा कर देते हैं तो आपके घर में भगवान भोलेनाथ धन धान से भर देंगे। आपके पास अगर नौकरी नहीं है, आपके पास अपना कोई काम धंधा नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ आपको अपना व्यापार व्यवसाय कर देंगे और अपना आपको मकान प्राप्त कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय उस व्यक्ति के लिए है जिससे घुटने में दर्द बना रहता है, कमर में दर्द बना रहता है, उसको 10 कदम चलने को नहीं होता है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 108 सरसों की फूल की आवश्यकता पड़ेगी। 108 सरसों का फूल लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच जाएं और शंकर भगवान के शिवलिंग पर
108 सरसों का फूल समर्पित कर दें। 108 सरसों का फूल समर्पित करते समय आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर वह सरसों का फूल समर्पित कर दें और उसके बाद में आप शंकर भगवान से वह फूल औषधि रूप में प्राप्त कर लें। प्राप्त कर अपने घर पर लेकर आए। आपको वह रोज सुबह खाली पेट एक सरसों के फूल खा लेना है। अगर आपको ज्यादा परेशानी है, आपको ज्यादा दिक्कत है, आपको चलने फिरने में दिक्कत है, बैठने उठने में दिक्कत है, तो आप वह सरसों का फूल 5 दिन के अंदर भी सारा खा सकते हैं। 5 दिन अगर सारा खत्म कर देंगे तो 6वें दिन आपको कमर दर्द और घुटने की दर्द से राहत मिलना शुरू हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया है, शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति शंकर भगवान के मंदिर में या जो व्यक्ति बेलपत्र के वृक्ष के नीचे में दिया लगा देता है, उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में विराजमान हो जाती है। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार जनों में शेयर करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।